जय श्री राम मेरे भाइयों, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम चलने वाले हैं हमारे यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर पर। तो हम अपने खतरनाक रास्ते पर वहाँ के लिए निकल चुके हैं। जंगलों के बीच में से हम वहाँ पर निकल चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं कितना जंगल है आसपास, और ऐसे ही जंगलों के बीच में हम अपने सफर की मंजिल को प्राप्त करेंगे। यहाँ से आपको मंदिर की एक झलक दिख रही होगी मेरे दोस्तों। यहाँ से आप देखिए, वो मंदिर आ चुका है जिसका हम सभी को इंतजार था। यहाँ से दोस्तों आप मंदिर देख सकते हैं कितना ये शानदार है, और यहाँ पर आपको आसपास में दिखा देता हूँ कैसा क्या माहौल है। दोस्तों यहाँ पर आप मंदिर के पास में देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर चौकियान है, और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी बहुत शानदार है। उसके बाद दोस्तों हमें मिले वहाँ पर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। ये जानवर आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है। अगर ये आपको एक बार काट लेगी तो आपको सीधा हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इनका डंक इतना ही खतरनाक होता है। अभी बारिश का टाइम है मेरे दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इस पानी में काफी मछलियाँ हैं दोस्तों। जैसे ही आप मंदिर के सामने देखोगे, यहाँ पर दोस्तों आपको एक कुंड मिलेगा जिसमें आप नहाकर स्नान कर भगवान की चरण स्पर्श कर सकते हैं। हम भी वहाँ पर नहाने का सोच रहे थे, लेकिन दोस्तों अभी ठंड काफी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बाबा के फोटो है जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। अब हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर आपको नंदी जी के दर्शन हो जाएंगे, और अगर आप पास में देखेंगे तो यहाँ पर हवन भी है। कभी आपको हवन करना है तो यहाँ पर आप बैठकर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद मेरे भाइयों हम चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे शिव भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर उन्हें चारों तरफ से फूलों से सजा दिया गया है, तो आप भी उनकी चरण स्पर्श कर लीजिए, और आपको कुछ मांगना है तो वो भी आप मांग लीजिए। अब मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवारों पर यह इस तरह के मंदिर बने हुए छोटे छोटे, इन सभी में भगवान रखे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर शंकर भगवान का इतना खतरनाक त्रिशूल है, और उस पर डमरू भी है। जैसे ही हम मंदिर से वहाँ बाहर निकलते हैं, वहाँ पर कुछ भक्तजन आए होते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। फिर हम मंदिर के पीछे आ जाते हैं, और वहाँ पर आपको बगीचा दिखेगा जहाँ पर आपको जाम वगैरह और काफी फल फ्रूट वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको मंदिर का 360 व्यू दिखा देता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे जाम खाने के लिए वहाँ पर गार्डन में। दोस्तों तो अब आ चुके हैं हम हमारे गार्डन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा जाम का पेड़ है, उस पर काफी ज्यादा जाम लगे हुए हैं, लेकिन वो सभी ऊपर है, तो मैं बिना देर किए ऊपर चढ़ जाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कितना नजारा शानदार लग रहा है। नदी के पास में पेड़ है, उस पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। वहाँ पर काफी जाम लगे हुए थे दोस्तों, लेकिन हमने वहाँ पर कोई भी जाम नहीं तोड़ा, क्योंकि सभी के सभी जाम वहाँ पर कच्चे थे। मंदिर में अब यहाँ पर बोरिंग है, इसी में सभी की पानी सप्लाई होती है। वहीं पास में दोस्तों दूसरा मंदिर भी था, तो मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। ये यहाँ पर आप मंदिर देख लीजिए। यहाँ पर आने जाने के लिए इतने प्यारे हैं दोस्तों, ये रास्ते भी बने हुए हैं जिसकी मदद से आप आ जा भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप मिल लीजिए हमारे मित्र से, जिनके साथ में मंदिर आया हूँ। मैं तो यहाँ वीडियो बनाने में रह गया, और इन्होंने जाम भी कहीं से तोड़ लिया। फिर हम वापिस से मंदिर में आ गए, और यहाँ पर शिव का नंदन, घिसे का चंदन। दोस्तों यहाँ पर मैं चंदन घिस रहा हूँ, और उसमें से कुछ भी चंदन नहीं निकला। फिर हम चलते हैं।